वीडियो जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 145 यात्री सवार थी। न्यूजीलैंड से उड़ान भरने के 2 घंटे बाद इंजन में आई खराबी। ग्रेटा थनबर्ग को जर्मन पुलिस ने किया हिरासत में। क्लाइमेट एक्टिविस्ट कोयला खदान के खिलाफ कर रही थी प्रदर्शन। ₹60 किलो वाला आटा मिल रहा है 155 में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, 3 हफ्ते का खर्चा बचा। राहत के लिए $33 अरब की पाकिस्तान को जरूरत। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में कोरोना की पाबंदी हटी तो 5 लाख लोगों ने की आवाजाही। भारत के 16 राज्यों से नहीं आए मामले। आप विधायक ने विधानसभा में लहराई नोटों की गड्डियां, अस्पताल में भर्ती के लिए उगाही का आरोप। आप विधायक मोहिंदर गोयल ने कहा कि अस्पताल में भर्ती। कुश्ती फेडरेशन से नाराज दिग्गज खिलाड़ी बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत कई पहलवान धरने पर बैठे। दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट होकर कुश्ती के दिग्गज खिलाड़ी। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय में, नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। यूक्रेन की राजधानी कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश, होम मिनिस्टर और 2 बच्चे समेत 18 की मौत। स्कूल के करीब हुआ हादसा। वायु चंबल में बारिश के आसार। भोपाल में जनवरी की रातें 23 साल में सबसे ठंडी। यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैदराबाद में मौजूद। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लेंगे बैठक, नामी उद्योगपतियों के साथ ब्रजेश पाठक ने की बैठक। बेमेतरा में ड्राइवर को झपकी आ जाने से तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी, 2 महिलाओं की आई चोटें। बैजनाथ धाम से लौटकर आ रही थी तीर्थयात्री। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम योगी। देवरिया सलेमपुर में बाबा का चला बुलडोजर। तहसील प्रशासन ने सलेमपुर देवरिया मार्ग पर डाक बंगले के पास से हटाया तकरीबन। सहसवान में पिकअप गाड़ी पलटने से 4 लोग हुए घायल। बदायूं दिल्ली हाईवे पर हुई घटना, ड्राइवर पर चालक घायल। चमोली में वीवीआर पुरुषोत्तम ने मत्स्य प्रक्षेत्र बैरंगना तथा सहायक निदेशक मत्स्य चमोली का किया निरीक्षण। जाकोली के कोट बांकर में आयोजित तहसील दिवस में 50 शिकायतें हुई दर्ज। 11 का मौके पर हुआ निस्तारण। उप जिलाधिकारी जाकोली परमानंद राम की अध्यक्षता में आयोजन। पन्ना टाइगर रिजर्व के एक और तेंदुए की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घंटों बीत जाने के बावजूद नहीं पहुंचा वन अमला। मौत को रोकने के लिए धारा 144 तक लागू। पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ का किया शुभारंभ। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान देखा खो खो खेल, सीएम योगी भी रहे मौजूद। लखनऊ में आज से फिर से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। कोविडशील्ड वैक्सीन की मिली 42,000 डोज, 31 केंद्रों पर मिलेगी सुविधा। लखनऊ हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका की खारिज। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषणों के आरोप में दर्ज हुई थी एफआईआर। पंजाब में कांग्रेस को ने दिया झटका, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी में शामिल करवाया। गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम भामी। जोशीमठ मामले में दिया फीडबैक। बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जोशीमठ पर बनी रिपोर्ट सौंपी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत। बर्फबारी ने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को किया था। कांग्रेस के पूर्व विधायकों को बनाया पर्यवेक्षक। नेताओं को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की मिली जिम्मेदारी। 2018 के चुनाव में कटे थे कई टिकट। पीएम मोदी का वीडियो पाकिस्तान में वायरल। इमरान की पार्टी वालों ने वीडियो पोस्ट कर कसा तंज। पीएम मोदी कह रही हैं, हमने उन्हें कटोरा लेकर दुनिया में घूमने को किया मजबूर।